हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझाएंगे, नायलॉन, जो सिंथेटिक एंड फाइबर एंड प्लास्टिक जो चैप्टर था उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक अपना नायलॉन। नायलॉन जो बेटा फाइबर है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है और सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है जिसके अंदर कोई भी नेचुरल मटीरियल, प्लांट मटीरियल जिसको बोल रहे हैं, वो इसके अंदर नहीं यूज है। ये सबसे पहले जो एक यूएस के साइंटिस्ट थे, वेलेक्से एच कैरोथर्स और उनके एसोसिएट, मतलब उनके साथी, इन्होंने 1930 में इसकी खोज की थी। और वो भी किसकी सहायता से, यहाँ पे इसके अंदर एक तो कोयला, एयर और वाटर, इन तीनों चीज़ों से मिलके इन्होंने नायलॉन को बनाया। नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब इसके क्या गुण है भाई, आपको कैसे पता लगेगा कि ये नायलॉन है? तो नायलॉन का जो कपड़ा होता है या फिर इसका जो मटीरियल है वो स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है, टेक्सटाइल स्ट्रेंथ मतलब ताकतवर है, अच्छा, ठीक है। और किसके कंपैरिजन, जैसे अपन सेम लेंथ का स्टील वायर लेते हैं और सेम स्ट्रेंथ का ही अगर हम नायलॉन का वायर लेते हैं तो नायलॉन वायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा, किसके कंपैरिजन, स्टील के कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, शाइनी, चमकीला है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, इलास्टिक है, लचीला भी है, लाइट वेट, हल्का है, मतलब इसका वजन बहुत ही कम होता है, ये लाइट प्रॉपर्टी है इसकी। और एब्जॉर्ब लेस वाटर, इसका मतलब ये बहुत कम पानी सोखता है इसीलिए जल्दी सूख जाता है। रिंकल रजिस्ट, इसके ऊपर सिलवटें जो सरवटें होती हैं वो नहीं गिरती। मोथ रजिस्ट, इंसेक्ट्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलता है। यूज, इसके यूज तो वैसे बहुत हैं इसके, लेकिन मैं दो चार यूज़ के बारे में अभी आपको डिस्कस करूँगी। जो अपन ड्रेस मटेरियल पहनते हैं उनमें, पर्दे अपन बनाते हैं, टायर, अम्ब्रेला, नेट, फिशिंग नेट्स जो होते हैं उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड अपना जो सिंथेटिक फाइबर है वो अपना है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है वो भी सिंथेटिक फाइबर है और ये केमिकल्स चेन होती है एस्टर्स की, ठीक है। एस्टर एक केमिकल मटेरियल है जिसकी लॉन्ग चेन से पॉलिस्टर बनता है। इसकी कॉमन फॉर्म्स होती हैं, एक तो पैट होती है बेटा आपकी और एक टेरेलिन। पैट जो है, यहाँ पे पैट जो हम पैट फॉर्म बता रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली इथाइलिन टेरे फैथलेट। जो यहाँ पे पैट है हमारी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली इथाइलिन टेरी फैथलेट, ठीक है। जो कि अपन बोतल और जार्स बनाते हैं ना अपने, जो आप वाटर बोतल यूज़ करते हैं और जार वगैरह, उसके अंदर इसका यूज़ होता है। टेरीलिन जो है वो इसकी ही एक फॉर्म है, जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फैब्रिक बनाने में, कपड़े इसके पहनते। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो भाई ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसका यूज़ करें तो जिससे हमें पता लगे कि ये पॉलिस्टर है। तो एक तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, टफ होता है, टफ मतलब हार्ड थोड़ा सा, और लाइट वेट है, लंबे समय तक चलता है। ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे समय तक चलना। और रिंकल रजिस्ट, इसके ऊपर भी सलवटें नहीं पड़ती। मोथ रजिस्ट होता है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर भी जो अपने कीड़े होते हैं, ये इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और साथ में नॉट श्रिंक, मतलब सिकुड़ता भी नहीं है। ड्राई क्विकली, वही बात है, ये सिंथेटिक फाइबर है तो ये बहुत कम पानी को सोखता है तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है। इसके यूज शर्ट बनाने में, ड्रेस मटेरियल बनाने में, आपके जो ट्रक शूट्स वगैरह होते हैं ये बनाने में और इनका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो अपने पिल्लोज होते हैं ना, तकिए वगैरह होते हैं, वो कर्टेन्स हैं, ये बनाने में यूज़ किया जाता है। एक और मेन प्रॉपर्टी इसकी, इस फाइबर को हम दूसरे नेचुरल फाइबर के साथ में ब्लेंड करके, ब्लेंड मतलब मिक्स करना, ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिक्स करना, मिक्स करके दूसरे फाइबर्स के साथ में हम इसके ब्लेंडेड फाइबर बनाते हैं, जैसे पॉली कॉटन। तो पॉली कॉटन यहाँ पे क्या होता है, पॉली कॉटन, पॉलिस्टर और प्लस में कॉटन का मिक्सचर होता है ये, ठीक है। और पॉली वूल, इसी तरीके से पॉली पॉलिस्टर प्लस वूल, ठीक है। ऐसे ही टेरिकोट, ये टेरिलीन और प्लस कॉटन का मिक्स होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्रेलिक फाइबर, ये भी एक हमारा सिंथेटिक फाइबर है बेटा। इसकी रिजम्बलेंस अगर हम देखते हैं तो ये हमें वूल से मिलता जुलता होता है, जैसे आप देखते हैं ना ऊन नेचुरल फाइबर है आपका, उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इससे काफ़ी बढ़ के हैं, इसीलिए एक्रेलिक का यूज़ आजकल हम ज़्यादा करते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सॉफ्ट है, कोमल होता है, वार्म गर्म होता है, लाइट वेट है और ईजिली सूख जाता है, मतलब ये वाटर बहुत कम एब्जॉर्ब करता है तो सूखता बहुत जल्दी है। इस सेम प्रॉपर्टी इसमें भी रिंकल रजिस्ट है, इसके ऊपर भी सरवटें नहीं पड़ती,
पत्ती जो सिलवटें होती हैं, और जैसे केमिकल एंड मोथ रजिस्ट है ना, केमिकल का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता और ना ही मोथ्स के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता। यूज़ के बारे में बात बताएं तो जो शॉक्स अपन पहनते हैं, जुराबें, ठीक है, स्पोर्ट्स वियर हम पहनते हैं, या वुलन के जो ब्लैंकेट होते हैं, ठीक है, या स्वेटर्स होती हैं, या फिर अवेनिंग होते हैं जैसे तिरपाल, ठीक है, रग्स, रग्स का मतलब होता है जो अपन गलीचे बिछाते हैं नीचे, ठीक है, उन उनमें इनका यूज़ किया जाता है। अब इसकी हम बात करते हैं टोटल जो हम पढ़ चुके हैं, हमारे ये हमारे सिंथेटिक फाइबर्स थे, ठीक है, जिनकी अब कुछ एडवांटेजेज है। एडवांटेजेज क्या है बेटा, एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, नेचुरल फाइबर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। दूसरी बात, पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, लॉन्ग लास्टिंग या ड्यूरेबल, ठीक है। सेकेंड क्या होती है, मोथ एंड केमिकल रजिस्ट, ना तो कीड़ों का इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर ना ही केमिकल का। इसके अलावा एब्जॉर्ब लिटल वाटर, सो ड्राई क्विकली, बहुत कम पानी सोखते हैं इसीलिए क्या है, जल्दी सूख जाते हैं। और इसके अलावा इजी टू वियर, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो रिंकल रजिस्ट होते हैं, रिंकल मतलब जिसके ऊपर सलवटे ना पड़े, रिंकल रजिस्ट, ठीक है। और भी काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनकी वजह से मतलब हम एडवांटेज इस ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये हमारे लिए यूज़फुल है। एक सबसे मेन बात, चीप, चीप का मतलब ये सस्ते हैं, बहुत ही सस्ते फाइबर हैं। अब हम इनकी कुछ कमियों की बात करते हैं भाई। अब इसकी एडवांटेजेस हैं तो कहीं ना कहीं कमियां भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे मेन इसकी कमी है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि बैक्टीरियल इफेक्ट्स के द्वारा डिग्रेड ना हो, डिकम्पोज ना हो। और अगर जो चीज़ डिकम्पोज नहीं होगी तो वो एनवायरनमेंट के लिए क्या होगी, हानिकारक होगी। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, अगर हम इनको इधर उधर फेंक देते हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। और दूसरी बात, एक और जो इसकी मेन मतलब कमी है कि अगर हम किचन में इनका यूज़ करते हैं, मतलब हीट, हीट के सामने, तो ये क्या करते हैं बेटा, मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होके हमारी बॉडी से चिपक सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी हो गई। तो ये आज का हमारा टॉपिक था सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। प्लास्टिक के बारे में आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। थैंक यू।